आज Redmi Note 3 की फिर से एक सेल थी, फिर से लोगों को Redmi Note 3 नहीं मिला। मात्र एक सेकंड से भी कम समय में Redmi Note 3 आउट ऑफ स्टॉक हो गया। MI की वेबसाइट पे, ऑफिशियल की वेबसाइट पे बात करो या Amazon इंडिया की वेबसाइट पे बात करो। मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 बजे इंडियन टाइम में, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह Amazon की वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है। आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह से आप इस ऑर्डर को अपने परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ ब्रैकेट टाइम चला गया। आउट ऑफ ब्रैकेट टाइम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप अभी इस लिंक पे देख पा रहे हैं कि ये इन स्टॉक दिखा रहा है, ये 3GB वर्जन है गोल्ड 32GB का, और पर्टिकुलर पिन एड्रेस पर ये सैटरडे 19 मार्च को डिलीवरी भी दे सकता है अगर मैं अभी ऑर्डर प्लेस कर दूँ विथ 2 डे डिलीवरी ऑप्शन के साथ। और किसी तरह से मैंने इसको अपने कार्ट के अंदर ऐड कर लिया था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे कार्ट के अंदर ये कार्ट के अंदर मैंने ऐड कर लिया है Xiaomi Redmi Note 3। वो स्क्रिप्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा अभी, लेकिन मैंने किसी तरह से इसको ऐड कर लिया है, और ये अभी भी इन स्टॉक दिखा रहा है। समय हुआ है 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और जैसे ही मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो ये मुझे टाइम ब्रैकेट का एरर दिखा रहा है। ये टाइम ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 बजे से लेकर जब फ्लैश सेल स्टार्ट होती है उससे 15 मिनट तक, तो 2 बजे से लेकर 2:15 बजे तक के बीच में मुझे इसको ऐड टू कार्ट करना होगा, और साथ ही साथ मुझे उसको ऑर्डर को प्लेस करना होगा। क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग में 2:15 से ज़्यादा 3:30 बजे शो करेगा, टाइम हमेशा ग्रेटर शो करेगा, इसलिए मैं अभी इसको टाइम ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बात नोटिस यह करने की है यहाँ पर कि यह अभी भी स्टॉक के अंदर अवेलेबल है अमेजोन के साथ, तो आप चेक कर सकते हैं कि एक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है। तो आउट ऑफ स्टॉक जो ये लोग बोल रहे हैं कि विद इन 1 सेकेंड्स के अंदर भी आउट ऑफ स्टॉक डिवाइस हो गए हैं, यह मात्र एक इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है। आप Yugo 12 को ट्वीट करके इसके बारे में जरूर पूछें।